हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कपिल और आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों अगर आप एक यूट्यूबर हैं और YouTube पर वीडियो अपलोड करते हैं, वहां पर वीडियो अपलोड करने के जो है एक दो दिन तक व्यूज़ आता है, लगभग 15, 20, 50, 100, और उसके बाद जो है वो वीडियो पर बिल्कुल भी व्यूज़ नहीं आता, वो वीडियो बिल्कुल बेकार सी हो जाती है, उस पर कोई भी व्यूज़ ही नहीं आता, ना लाइक आता ना कमेंट आता, और आपके सब्सक्राइबर का ग्रोथ भी लगभग 1-2 ही रोज़ाना बढ़ रहा है, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है। तो ऐसे में आपके मन में 2-3 सवाल होंगे कि क्या YouTube जो है मेरी वीडियो को किसी के पास रिकमेंड नहीं करता है, या मेरी वीडियो सजेस्टेड में नहीं जाती है इसीलिए उस पर व्यूज़ नहीं आते, या फिर आपके मन में एक और सवाल होगा कि आप जो टेक्स्ट टाइटल डिस्क्रिप्शन और थंबनेल लगाते हैं वहाँ पर कोई गलती कर रहे हैं। क्योंकि खुद ही अनुमान हो जाता है जब आपकी वीडियो पर व्यूज़ नहीं आते, तो खुद ही एक अनुमान हो जाता है कि कहीं ना कहीं हम खुद एक गलती कर रहे हैं। अगर आपको वो अनुमान भी नहीं हुआ है कि आप कहीं गलती कर रहे हैं, आपको लगता है कि आप सब कुछ ठीक कर रहे हैं, पर YouTube की तरफ से कोई गलती है, कमी है कि हमारी वीडियो को किसी के पास रिकमेंड नहीं किया जाता है और इंप्रेशन नहीं दिया जाता है, जिस कारण व्यूज़ नहीं आते, अगर आपके मन में ऐसा सवाल है तो वो भी इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर आपको YouTube डैशबोर्ड पर जाकर दिखाऊंगा कि आप कैसे चेक कर सकते हो कि आपकी वीडियो को YouTube ने कितने लोगों के पास जो है रिकमेंडेड किया और उनमें से कितने लोगों ने आपकी वीडियो को देखा। तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है YT स्टूडियो के द्वारा। YT स्टूडियो नाम से एक एप्लीकेशन है YouTube का, ये उसे आप डाउनलोड कर लेना, और चलिए उस पर आपको बताऊंगा कि आप कैसे चेक कर सकते हो कि आपकी वीडियो पर कितने इंप्रेशन आए। और इंप्रेशन का मतलब मैं आपको बताऊं कि किसी, जैसे आप YouTube के होम पेज खोलते हो, वहाँ पर जो स्क्रॉल करते हो तो वहाँ पर जो वीडियोज़ आती हैं, अननोन वीडियो जिनका आपने कभी आज तक वीडियो नहीं देखा था, तो वो इंप्रेशन के द्वारा आती हैं। उन वीडियो पर इंप्रेशन देता है YouTube कि भाई आप भी इन वीडियो को देखो। YouTube जो हर किसी की वीडियो को इंप्रेशन देता है शुरुआती दौर में, जब उन इंप्रेशन के द्वारा जो वीडियो पर क्लिक्स आते हैं और उनका जो ऑडियंस रिटेंशन होता है, जो वीडियो को देखने का टाइम होता है, उसको कैलकुलेट करने के बाद जो है YouTube उस वीडियो को इंप्रेशन देना कम कर देता है। अगर आपकी वीडियो पर उसके इंप्रेशन के मुकाबले बहुत ज़्यादा कम क्लिक आए हैं, तो YouTube समझ लेता है कि इस वीडियो को बंदा नहीं देखना चाहता, कोई भी नहीं देखना चाहता, इसलिए वो उसका इंप्रेशन बाद में कम कर देता है, जिससे वो आपकी वीडियो जो होती हैं 3-4 दिन बाद उन पर व्यूज़ आने बंद हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है कि उन पर क्लिक्स बढ़वाने हैं, तो क्लिक्स बढ़वाने के लिए आपके पास एक अच्छा थंबनेल होना चाहिए। क्योंकि थंबनेल, अब आप कहोगे कि मैं बहुत अच्छा थंबनेल बनाता हूँ, देखिए अगर आप अच्छा थंबनेल बनाते तो जब YouTube आपकी वीडियो को इंप्रेशन दिलवाता है किसी के होम पेज पर ले जाकर, तो वहाँ से आपकी वीडियो पर क्लिक जरूर आते। आप थंबनेल अच्छा नहीं बनाते हो और अच्छा सा टाइटल भी नहीं देते हो, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे ही आप होम पेज यूट्यूब का स्क्रॉल करते हो ठीक इस तरीके से, तो वहाँ पर आप देखोगे आप उसी वीडियो को प्ले करते हो जिसका अच्छा थंबनेल होगा। आपको एक बार में ही, एक झलक से ही उसकी सारी डिटेल समझ में आ जाएगी कि आखिर इस वीडियो में क्या होने वाला है। तो और बहुत ही अट्रैक्टिव थंबनेल, जैसे हम बोलते हैं क्लिकेबल थंबनेल होता है, उसको ही देखकर आप क्लिक कर देते हो। अगर आप उसके साथ एक टाइटल पे भी नज़र मार लेते होगे, तो इसलिए टाइटल और जो है थंबनेल बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है आपकी यूट्यूब वीडियो पर इंप्रेशन के द्वारा क्लिक कराने पर। ऐसे ही आप सजेस्टेड में अगर आपकी वीडियो चली जाती है या फिर रिकमेंडेड में चली जाती है, जैसे आप किसी का वीडियो देख रहे हो और वहाँ के ठीक नीचे अगर आपका वीडियो शो करता है, तो कोई भी इंसान उस पर तब क्लिक करेगा जब आपका थंबनेल अट्रैक्टिव होगा और वो बंदा उस बारे में कुछ जानना चाहता होगा, और आपकी वीडियो उसको नज़र आ जाती है और उस पर अच्छा थंबनेल देखकर वो क्लिक कर देता है। अब क्लिक करने के बाद बात आती है कि आपकी वीडियो में कुछ ऐसा होना चाहिए कि उस वीडियो को कम से कम 50-60 जो है परसेंट तक देखा जाए। जैसे मान लीजिए आपका वीडियो 10 मिनट का है, तो उसे 5-6 मिनट के अंतराल पर अगर देखा जाता है तो उसका ऑडियंस रिटेंशन बढ़ जाता है। इससे भी YouTube समझ जाता है कि इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा अच्छी नॉलेज वगैरह दी गई है, इस वजह से कुछ लोगों ने इसको आधे से 15 से ज़्यादा देखा है। तो यहाँ पर आपको ऑडियंस रिटेंशन बनाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, एक अच्छा थंबनेल बनाना ज़रूरी है। थंबनेल अगर आप डिज़ाइन करना नहीं जानते हो तो आई बटन में ऊपर लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप सीख सकते हो कि कैसे आप एक अच्छा प्रोफेशनल क्लिकेबल थंबनेल बना सकते हो, जिसमें आपको सबसे ज़्यादा कलर का ही डिफरेंस किया था कि जो कलर जो हाइलाइट्स दिखाई देते हैं वो कैसे आप मैच कर सकते हो। तो यहाँ आई बटन में मैंने लिंक दे रखा है, आप ऊपर देख सकते हो, वहाँ से सीख सकते हो कैसे एक अच्छा थंबनेल बनाते हैं। तो आपको एक अच्छा थंबनेल होना चाहिए, और साथ ही आपका जो इंप्रेशन जाता है उसके लिए अच्छा टाइटल होना चाहिए। टाइटल में आप जो है YouTube पर सर्च करोगे, जब भी आप किसी टॉपिक पर वीडियो बनाओगे तो वहाँ पर जो सबसे ऊपर उससे रिलेटेड जो सर्च आता है उसी को आप अपने टाइटल में डाल दीजिए।
और बाकी का जो नीचे का आता है सारा उसको टैक्स बना दीजिए, तो आपके वीडियो पर बहुत अच्छा जो है रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा और उम्मीद करता हूँ आपको व्यूज़ भी बहुत अच्छे आने वाले हैं। तो सारा ये डिटेल तो क्लियर हो गया कि आपकी वीडियो पर व्यूज़ क्यों नहीं आते, तो अब हम बात करते हैं कि क्या इम्प्रेशन यूट्यूब देता है आपकी वीडियो पर या नहीं। तो इम्प्रेशन देखने के लिए चलिए YT स्टूडियो में क्लिक करते हैं और वहाँ पर आप जाने के बाद ऊपर 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, वीडियोस पर क्लिक करेंगे। वहाँ जाने के बाद आप उस वीडियो को सिलेक्ट कर लेंगे जिस वीडियो का अभी आप इम्प्रेशन देखना चाहते हो। तो जैसे ही आप यहाँ पर वीडियो पर क्लिक करोगे सीधे आप उसको एनालिटिक्स पर क्लिक कर देना। इसके बाद आपको यहाँ पर जाना है, तो दोस्तों अगर आपकी YouTube वीडियो सेम ऐसी हो चुकी हैं जिन पर बिल्कुल भी व्यूज़ नहीं आता, तो अब आपको उन वीडियो पर व्यूज़ कैसे लाना है जो आप पहले अपलोड कर चुके हो, तो उनके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले आप किसी भी वीडियो को ओपन कीजिए अपने YT स्टूडियो में। वहाँ पर जाने के बाद आप डिस्कवरी ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपको डिस्कवरी ऑप्शन आप देख रहे हैं बराबर में, यह जाने के बाद आप नीचे जाओगे तो यहाँ पर देखोगे जो सर्च के कीवर्ड आ रहे हैं यहाँ पर कि किस कीवर्ड को सर्च किया गया तब आपकी वीडियो पर यूज़र पहुंचा है वीडियो देखने वाला। तो जो कीवर्ड्स आ रहे हैं उनमें जो सबसे ज़्यादा रेटिंग जिसकी आ रही है उसको कीवर्ड को कॉपी करना है आपको और अपने वीडियो के टैग्स में ऐड कर देना है, टाइटल में भी ऐड कर देना है। तो इतना करने से आपका वीडियो जो है यहाँ पर बूस्ट हो जाएगा जिससे जो है आपकी वीडियो पर अच्छे खासे व्यूज़ आ जाएंगे, क्योंकि जब कोई बंदा किसी चीज़ को सर्च कर रहा है और आप वही आप अपने टाइटल और टैग्स में लगा रहे हो तो जो है जाहिर की बात है कि आपके वीडियो पर अच्छे व्यूज़ आने वाले हैं। अब आप दोस्तों अभी ये करके देखोगे और उसके बाद एक घंटे में आप YT स्टूडियो फिर खोल के देखोगे और कहोगे कि भाई तूने गलत बताया, इस पर व्यूज़ नहीं आएगा। देखिए दोस्तों, SEO करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और व्यूज़ कभी भी आ सकते हैं, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप अभी सेटिंग करोगे और आपके वीडियो पर अभी व्यूज़ आ जाएगा। आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा 10 दिन 15 दिन तो यहाँ पर व्यूज़ आने लगेगा, धीरे धीरे ग्रो होने लगेगी वो वीडियो, क्योंकि वो पहले से उस पर व्यूज़ रुक चुके हैं और जब आप उसमें कुछ चेंजिंग करोगे तो यूट्यूब का एल्गोरिथम है वो उसको समझेगा और वो वीडियो हल्के हल्के सर्च में जाएगी, उसके बाद रिकमेंडेड में जाएगी, तो ये सही से हो जाएगा आपकी। और आपको एक बात बताऊँ कि वीडियो कंटिन्यू रोज़ाना एक अपलोड ज़रूर कीजिए, किसी भी टाइम पर एक फिक्स कर लीजिए, पर आपको टाइम कोई भी रात का नहीं देना है। रात में जब भी आप वीडियो अपलोड करते हो तो वहाँ पर सभी सो रहे होते हैं और वहाँ पर आपकी वीडियो को तुरंत नहीं देखा जाता, जब तक आपकी वीडियो अपलोड होने के बाद जो है तुरंत जो है 10-20 लोगों के द्वारा नहीं देखी जाती है तब तक उस पर बिल्कुल भी बूस्ट नहीं मिलता और वो वीडियो 5-6 व्यूज़ लाकर ही डेड हो जाती है। इसलिए आप जो है कभी भी वीडियो रात में अपलोड मत कीजिए। अब आप यहाँ पर बोलेंगे कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं जो रात में वीडियो अपलोड करते हैं और उन पर मिलियंस व्यूज़ आ जाते हैं। देखिए दोस्तों, वो व्यूज़ आते हैं नोटिफिकेशन के द्वारा, उनके पास ऑडियंस है, उनके पास सब्सक्राइबर हैं, जब उनके पास जो है जो उनके सब्सक्राइबर जो है उनकी वीडियो को देखते हैं, उन्हें पहचानते हैं, पर आपको तो अभी नहीं पहचानते ना कोई, क्योंकि आपका एक न्यू चैनल है। वहाँ पर आपको ऐसा ही करना पड़ेगा कि दिन में वीडियो अपलोड करना पड़ेगा और वीडियो को जो है वहाँ पर रिकमेंडेड सजेशन में आपको भेजना पड़ेगा। और इस वीडियो मैंने जो जो चीज़ें बताई हैं कि अच्छा थंबनेल लगाना, अच्छा टाइटल लगाना और टैग्स लगाना और यहाँ पर इम्प्रेशन देखना, सर्चिंग कीवर्ड्स को कॉपी करके अपने जो है वीडियो के टैग्स टाइटल में डालना, अगर आप इतना काम करते हो तो उम्मीद है आपकी वीडियो पर व्यूज़ आ जाएंगे। तो अगर आपके पास कोई भी यहाँ पर क्वेश्चन रहता है तो यहाँ कमेंट बॉक्स नीचे खुला हुआ है, आप यहाँ पर बेधड़क पूछ सकते हैं, मैं यहाँ पर उसका आंसर ज़रूर करूँगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया।